रीवा जिले में चोर उचक्कों के इतने हौसले बुलंद है कि जहां आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वहीं हत्या लूट जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। असामाजिक तत्वों के अब तो इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि हमारी धरोहरों को भी खंडित और चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला घोड़ा चौराहे का है, जहां महाराजा वेंकट रमन सिंह जुदेव की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया और प्राचीन तलवार को चोरी कर लिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोगों के द्वारा पुलिस और नगर निगम को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मौका मुआयना करने के बाद शिकायत दर्ज कराई है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से असामाजिक तत्वों ने ऐतिहासिक धरोहर को खंडित किया है और नगर निगम के साथ स्थानीय लोगों का क्या कहना है। देखिए, अभी एक यहाँ बिल्डिंग गिर रही थी, जर्जर भवन था, वहाँ हम गए थे, वहीं पता चला कि स्टेज चौराहे में घोड़े की वो हो गई है, चोरी हुई है। अभी हम लोग देखने आए थे, उसकी तलवार कटी हुई है और उसके जो वो लगी थी लगाम, उसको भी खींचने की लगता है कोशिश किया गया है। और पता नहीं कैसे ये लोग चढ़े हैं, बगैर सीढ़ी के इसमें चढ़ना संभव नहीं है। अभी कई लोग रहे होंगे ऐसा स्वस्थ होता है। पहले इसकी एक सिला पट्टिका भी चोरी हो चुकी है, जिसकी शिकायत हो चुकी, क्या इसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं है? अब सुरक्षा व्यवस्था ये, क्योंकि हाइट में ये बना था, बाकी ये ग्रिल उल यहाँ लगी हुई है, बाकी अलग से स्पेशल कोई सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं है है। और ये बहुमूल्य होगी अवश्य, इसलिए पुराने जो ये स्टैचू वगैरह बनते थे सब अस्थाव के बनते थे, ऐसा लोगों का कहना है, तो ये कीमती ज़रूर होगी और पुरानी धरोहर है ये। देखे तो कि भाई यहाँ से तलवार टूटी टाइप की देखी, तो हमने सबसे पूछा, बोले वो तलवार तो थी लेकिन टूटी थी, तो हमने बोला पट्टा भी ढीला टाइप लग रहा है, कोई हमने सबसे पूछा, बोले भाई ये लगता है चोरी वोरी हुई है। हम बोले हमको इतनी जानकारी तो है नहीं इतनी ज़्यादा।